नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। कलियुग पावना अवतार भगवान श्री श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की अपार करुणा से महामहोपाध्याय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा रचित श्री माधुर्य कादंबरी ग्रंथ का रसास्वादन चल रहा है, जिसमें पिछले सप्ताह नामापराध का वर्णन हुआ था। तीन अपराध है, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध और नाम अपराध। सेवा अपराध का वर्णन पहले हो गया, वैष्णव अपराध का हो गया और नाम अपराध का हो गया। और ये उस क्रम में चल रहा है भक्ति विकास क्रम में, कि आदव श्रद्धा, पहले किसी जीव की श्रद्धा होती है भगवान में। श्रद्धा नहीं होती है काय को बिंदा बनाएगा, काय को जिसकी श्रद्धा नहीं हो इस कीर्तन में वो कहेगा कहां फंस गए यार, बहुत बुरे। श्रद्धा होती है, श्रद्धा चलो यार कीर्तन में, भूख भी लग रही है, अरे खा लेंगे, खाते तो रोज है, कीर्तन में चलो श्रद्धा। उसके बाद साधु संग, भजनांगों में श्रद्धा, उसके बाद साधु। श्रद्धा होगी तो साधु संग इसलिए होगा कि ये जो भजन या कीर्तन या धर्म या अध्यात्म का जो अंग है ये साधुओं का ही तो पास है। अरे गाड़ी चलाना सीखना है तो किसी अच्छे ड्राइवर का साथ करो, सिखा देगा। बिजनेस करना सीखना है तो किसी अच्छे तगड़े व्यापारी का संग कर लो। इकोनॉमी सीखनी है तो किसी इकोनॉमिस्ट का संग कर लो। गान सीखना है उसका साथ कर लो। तो ऐसे भजन सीखना है तो संग किसका करोगे, किसी बनिया का थोड़ी करेंगे। साधु संग, साधु संग होने से फिर क्या होता है, भजन क्रिया प्रारंभ होती है। साधु के संग किया, अब मैं आपके पास आऊं, घर में आता जाता रहूं, ताश खेलना थोड़ी सिखाओगे आप मेरे को। अरे गिराज जी भजन करो, देखो ये पद उन्होंने लिखा है, ये पद उसने लिखा है, इसमें ये भाव है, इसमें ऐसा है, इसमें ये। अरे भजन क्रिया, भजन बताएगा और भजन करेंगे। भजन करने के बाद चौथी सीढ़ी है अनर्थ निवृत्ति। लोग, आज भी एक प्रश्न था, लोग कहते हैं हमने जब से भजन करना शुरू किया हमारे घर में कलेश शुरू हो गया। ओए तेरी, भजन करने से तो अनर्थों की निवृत्ति होती है। भजन करने से कभी क्लेश नहीं होता यदि ईमानदारी से आप भजन कर रहे हो। यदि भजन के नाम पर आप अपनी जिम्मेदारियों से भग रहे हो, अपने कामों से भग रहे हो, संसार में जो तुम्हारे दायित्व है उनसे भग रहे हो, तब क्लेश होगा। भजन वो भी उनसे होगा, भजन से कभी क्लेश नहीं होगा। तुम भजन करो, मेरी गारंटी, क्योंकि भजन करने के दो बातें कही गई हैं, क्लेशग्नि और शुभधा। भजन करते ही सारे क्लेश समाप्त होने लग जाएंगे और सारे मंगल प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन भजन हो, भजन का नाटक ना हो। हम लोग भजन का नाटक करते हैं। बीबी ने कहा सवेरे जाके जरा सब्जी ले आना, दो दिन तो गए, तीसरे दिन बोले नहीं, वो दासा भाजी का फोन आ गया, उन्होंने कहा पांच माला रोज किया करो, सब्जी अब्जी नहीं लाऊंगा मैं, पांच माला करूंगा वो तेरी। अब होगा कि नहीं कलेश शुरू? अब फिर कहेंगे प्रभु जी आपने कहा पांच माला करो, मैं पांच माला करता हूँ, पत्नी लड़ती, और तू सब्जी ला के फिर कर ना माला, टीवी देख को बचा के कर, अखबार को छोड़ के कर ना। बीवी ने कहा, हमारे एक दोस्त है मेरे साथ टहलने जाते थे, तो उनसे एक दिन बात हुई, मुरली भाई साहब, तो बोले गिरिराज मैं कोई टहलवे को वो थोड़ी शौक है। अरे मन के तुम 5:30 बजे खुद भी उठते हो, मेरे को भी उठाते हो, कनाना गलत फहमी में मत रही हो तुम। और मैंने कहा तुम बरसों से जाते हो और मैं जाऊं नहीं जाऊं तुम जरूर जाते हो।
अरे बोले सुन, 6 बजे यहां में नल, और हमारे घर में एक ही नल, और वो घीरा वाला नल है, जाए नहाना वो अपनी पाली पानी भरे, बच्चन की भरे, जैसे ही नल आवे मैं उठूं और टहल पे निकल जाऊं, मुझे पानी ना भरना पड़े। और भैया सुन, जब मैं जाऊं तो मेरी बाल्टी भरी भाई वो तैयार मिले, क्योंकि जब तक मैं जाऊं तब तक नल चले जाऊं। मैंने कहा ये सत्य है बिल्कुल, बैंक का भाई साहब आप बड़े गड़बड़ आदमी हो। क्या गड़बड़ कहा भैया, नल थोड़ी चलाऊंगे क्या उम्र में, और खड़े रहो तो चलाना पड़ेगा। तो मैं तो मैं उठूंगा, नल आयो खुड़ खुर भाई और मैं भगो, और पौन घंटा नल आवे, पौन घंटा जहाँ बैठते हो चलो। तो ये जो है अब वो टहल नहीं रहा है, वो नल से बच रहा है, और पब्लिक को घर वालों को बेवकूफ बना रहा है। ऐसे ही हम लोग करते, जरा कोई काम बताया लेके माला, हरे कृष्ण अरे मैंने माला कर रही हूँ, तुम ये क्या गलत करते, अरे बोले तो तरह की माला ने बड़ा जान लिया हमारा, जब देखो जब माला। तो ये यदि करोगे तो क्लेश होगा, यदि ईमानदारी से भक्ति करोगे तो क्लेश दूर होंगे और मंगल प्रारंभ होगे। तो क्लेशग्नि शुभधा और अनर्थ निवृत्ति के उन्होंने चार प्रकार बताए, कि एक तो जो पाप के कारण अनर्थ होते हैं वो भक्ति से दूर हो जाते हैं, और एक कुछ पुण्य के कारण भी अनर्थ होते हैं वो भी भक्ति से दूर हो जाते हैं। जैसे पुण्य है, पैसा है, ऐश है, आराम है, ऐश और आराम की वजह से भजन नहीं हो रहा, वो ऐश आराम वाले जो भी अनर्थ है वो भी दूर हो जाते हैं। और ये तीसरे जो चल रहे थे, अपराध द्वारा जो उत्पन्न होते, तीन प्रकार के अपराध बताए, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध। नाम अपराध, सेवा अपराध और वैष्णव अपराध से जो अनर्थ पैदा होते वो भी निवृत्त हो जाते हैं। और आज जो है, आज चौथे एक प्रकार के अनर्थ बताए हैं जो भक्ति जात अनर्थ है, भक्ति करने से भी अनर्थ पैदा होते हैं, वो भी भक्ति से ही दूर होते हैं। अब भक्ति जात अनर्थ क्या बताएं, भक्ति जात अनर्थ जो हैं 8 बताएं, इसमें मेरे ख्याल से इसमें खोला नहीं है, मोटा मोटा लिख दिया है कि भक्ति करके जो धन की प्राप्ति की कामना है वो भक्ति जात अनर्थ है। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे जैसे, भाई साहब मैं पैसा नहीं लेता, लेकिन मन में ये कहीं है कि लोग प्रणाम करें, सम्मान तो करें यार, ये तो कोई तरीका नहीं, गए किसी ने यार कोई प्रणाम नहीं, कोई चादर नहीं उड़ाई, कोई माला नहीं, कोई बैठाया नहीं, यार कम से कम यार ब्रजवासी हूं कम से कम इज्जत तो करो, यश पहचान, अरे भाई नागिया जी बड़े अच्छे यार, अरे कितनी सुंदर कथा कहते, कितना सुंदर कंठ है, पैसा नहीं लेंगे। लेकिन यदि आप गारंटी है कि यदि आप सम्मान मत करो तो दूसरे दिन जाएंगे, कह देंगे जहां व्यक्ति का सम्मान ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। अरे तुम सम्मान के लिए गए थे क्या, तुम तो भजन करने गए थे। तो एक पैसे के लिए, पूजा प्रतिष्ठा के लिए, तीसरा क्या है कि भक्ति करते करते भक्ति के नियमों का उल्लंघन करना, जैसे भाई सूर्योदय से प्रातः उठ जाना चाहिए। अरे बोले ये सब तुम साधकों के लिए, अब हम मेहनत बन गए हैं हमारे लिए नहीं है, हाँ ये भक्ति जात अनर्थ है, खुद भक्ति के नियमों का पालन न करना। भक्ति करते करते बोले अब हम इस स्थिति से ऊपर उठे हैं, ये सूर्योदय से पहले उठना, नाम करना, ये स्नान करना, ये स्नान करके ही बाल भोग करना, ये सब तुम सब प्राइमरी लोगों के लिए, हम थोड़ा आप दासा भाजी बन गए, अब नहाना जरूरी नहीं है हमारे लिए। ये तीसरा, चौथा भक्ति करके, भक्ति 8 अनर्थ हैं, स्पष्ट हैं, अनेक ग्रंथों में मैंने लिखे हैं, भक्ति करते हुए भोग आदि की कामना,
भजन करना, पैसे कमाना, पैसे कमा के फिर ये अच्छी गाड़ी हो हमारे पास, अच्छा एक आश्रम हो, जो आजकल है। आजकल सारे के सारे कहने से अपराध मुझे नहीं होता, मुझे डर नहीं लगता। चोर को चोर कहने से मुझे डर नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। किसी को लगता हो तो लगा कर। आजकल जितने भी वैष्णव हैं सब भक्ति जात अनर्थ में फंसे हुए, सबके आश्रम है, सबके पास गाड़ियां हैं, सब सन्यासियों के पास स्त्रियां रह रही हैं। अरे काय बात के सन्यासी हो यदि स्त्री तुम्हारे आश्रम में रह रही है। तो ये सब भक्ति जात ऐसी हैं। अरे अभी कल परसों था कुंभ में, कुंभ में किसी महाराज की फोटो आई, बिल्कुल एयर टाइट रूम बना हुआ था, पीछे से एसी लगा हुआ। अरे महाराज कुंभ में तुम एसी की हवा खाने गए हो, कुंभ का मतलब क्या हुआ? कुंभ का मतलब है कि वह जंगल में रहो, जमुना जल में स्नान, गंगा में स्नान करो, रूखा सूखा क्षेत्र चले और खाए और भजन और कीर्तन करो। ये भक्ति जात अनर्थ है कि सुख भोग वहां भी, कुंभ में भी एसी रूम बना हुआ महाराज जी का। ठीक है, कौन मना कर रहा? शास्त्र मना कर रहे, उसको कोई सुनने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं। इस प्रकार के आठ अनर्थ हैं भक्ति जात, बहुत जगह लिखा है। तो उन अनर्थों को भी अनर्थ निवृत्ति भक्ति करने से उनकी भी निवृत्ति हो जाती है यदि हम ईमानदारी से भक्ति करें। लेकिन हम ईमानदारी से भक्ति नहीं करते हैं। हमारी भक्ति रुपए में एक पैसे के लेवल की है, और जो भक्ति करते हैं वो हमने देखे हुए यहां हैं। ऐसे संत हैं जो जंगल में पड़े हुए हैं, उनके पास न तो भोगने की इच्छा है, न एसी की इच्छा है, न पंखे की इच्छा है उनकी, न भोजन की इच्छा है, न यश की इच्छा है। सामने बंदा बैठा हुआ है ऐसे बाबरा सा, पता चला यही इस मंदिर का महंत है। लोग करे महंत जी, और बैठा है वह झाड़ू लगा रहा। अब बताइए काय बात का महंत जी? केवल ठीक है एक इस आश्रम या एक इस स्थान का, इस समाधि का एक हमें एक जिम्मेदार आदमी बनाना है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि बन गए महंत जी, अब चार चचेले खड़े। अरे बन गए तो बन गए, वही झाड़ू लगा रहे, वही माँ बैठी हुई, वही फटा कपड़ा लंगोटी पहन के बैठे हुए, कहने को महंत जी। उनको न भोग है, न विलास है, न स्त्री है, न कामना है, न यश है, न धन है, देखे हुए। इसीलिए महाराज आप ये समझो कि जिन्होंने नहीं देखे है ना, तो वो तो मुझ जैसे आदमी कोई संत समझते हैं, कहते हैं अरे बहुत बड़े ये दासावादी, बहुत बड़े संत है, खाक संत है। हमें पता है कि संत किस चिड़िया का नाम है, संत किसको कहते हैं ये हमें पता है, संतों के आचरण पता है। दोपहर में माधुकरी मांग के लाएंगे, जितनी खुद खाई खाई बाकी कुत्ते को डाल दें। अरे बाबा रख लो शाम को, है दोपहर में राधा रानी ने दिया, शाम को राधा रानी नहीं देगी क्या? भरोसा नहीं है तेरे को? कुत्ते को डाल, और नहीं देगी तो राधा रानी की यही इच्छा है, नहीं खाएंगे। तो मजाल है राधा रानी ना दे, कैसे नहीं दे? जीवन पर राधे राधे करते हुए हो गए, राधा रानी रात को भोजन नहीं देगी? आधे से लोग को पाते ही नहीं है रात को, ले आए चार रोटी मिल गई, दो की भूख है तो दो बगल वाले बाबा को इसको उसको दे के जीरो करके ही रखेंगे, तो रात के लिए भोजन नहीं रखेंगे। ऐसे संत है, वो है संत। और वो भी क्या है कि वो भी कहते हैं हम रुपए में चार आने हैं अभी तो। उनसे बात करी जाए तो वो तो कहते हैं आप ब्रजवासी हो आप, ये हम काई बात के संत बाबा, कुछ नहीं भजन होता नहीं है, नाटक करते रहते हैं, आधा कपड़ा पहनने से कोई संत थोड़ी हो जाता है गिरिराज बाबू, वो ये कहते हैं हम। उनसे जाओ तो बोले बाबू बाबा बनने से थोड़ी कोई संत हो जाए, काय बात के संत, भजन होता नहीं, चिंतन होता नहीं, काय बात के संत, वेश से थोड़ी, हम तो संत वेशधारी हैं, संत तो कोई और। तो वो है संत, तो उनका जो है ये जो भक्ति जात अनर्थ है ये भक्ति से ही प्रारंभ होता है, और आगे चल के भक्ति को ही नष्ट कर देता है। और धन पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की वृत्तियां इतनी बढ़ जाती हैं कि साधक भक्ति से भ्रष्ट होकर भक्ति के परम लक्ष्य प्रेम और भगवत प्राप्ति को भूल के धन ही धन, मान ही मान, आश्रम ही आश्रम और यश ही यश में
फंस जाता है और उसकी हो जाती है राधे राधे जय जय श्री राधे। आगामी सप्ताह जब इस शरीर रहा और धाम में रहे तो अवश्य श्रवण करेंगे। जय श्री राधे।